स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी क्राइम क्लासेस में। और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं किसको, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने मेटल एंड नॉन मेटल को, यानी कि जो हम लोगों ने क्लास टेंथ की सीरीज का तीसरा चैप्टर शुरू किया था, आज उसका दूसरा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार रिमेम्बर करते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा है, उसमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट आर मेटल्स, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में मेटल्स क्या होते हैं। और मेटल्स को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या है। अगर इस सब की पूरी जानकारी चाहिए तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करिए और उस पहले लेक्चर को जरूर देखिए। उसके बाद आप इस लेक्चर पे आओगे तो सारी चीजें आपको बढ़िया एकदम सार क्लियर होंगी। चलिए भाई शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। पहली बात ये बताओ कि हाई स्कूल में हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क पता है क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो बस हम लोग देखें उसकी फिजिकल स्टेट को, कोई नया कंपाउंड बनाए बिना हम चेक करें। अगर हमने क्या किया, अगर हमने कोई भी मेटल लिया, उसको हमने मेल्ट कर दिया, तो कोई नया कंपाउंड नहीं बना, समझना बात को, कोई नया कंपाउंड नहीं फॉर्म हुआ, उसी कंपाउंड को मेल्ट किया है, बस उसकी फिजिकल स्टेट बदल गई और हमने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, समझे बात को, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम डेंसिटी को मेजर करते हैं तो विदाउट स्टेट उसको नया कंपाउंड बनाए बिना हमें चेक करना है, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड रिएक्ट करें और रिएक्ट करके कुछ नया बनाए, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद किसके साथ में, रिएक्शन ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मतलब समझे, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहा होता है ना, वो रखे रखे जंग खा जाता है, तो बेसिकली वो क्या बना रहा होता है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, यानी कि वो जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें कि कोई भी मेटल हमारे पास हो, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, तो पहले तो जनरल बात लिख लें फिर एग्जांपल्स देखते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई मेटल हो, बहुत ध्यान से समझना बातों को, वो रिएक्ट कर जाए किससे, ऑक्सीजन से, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे कर जाता है, सनलाइट में कर जाता है, और क्या, अगर मॉइस्चर हो तो और अच्छे तरीके से करता है, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी हो, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी हो तो बहुत बढ़िया तरीके से रिएक्ट करेगा। देखा होगा आप लोगों ने कि जो लोहा होता है अगर वो ड्राई जगह पे रखा है तो उसमें देर में जंग लगती है, लेकिन अगर वो वेट प्लेस पे है, यानी कि उसके अंदर उसके आसपास मॉइस्चर है या ह्यूमिडिटी है, तो जल्दी जंग खा जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो अगर मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएं तो क्या बनते हैं मेटल के ऑक्साइड, क्या बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड बनते हैं। तो आपको सबसे पहले ये याद करना है कि इफ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। चलो भाई एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमने लिया 2Na+O2 तो बनेगा 2NaO, ठीक है, अगर हमने लिखा 2K+O2 तो बनेगा 2K2O, यानी कि ये बनेगा सोडियम का ऑक्साइड, ये बनेगा पोटेशियम का ऑक्साइड। देखो यहां पे मैंने वो मेटल लिए हैं जिनकी वैलेंसी एक थी, जिनकी बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था। अब बात करते हैं किसकी, मान लो Mg के साथ रिएक्शन हुई तो 2Mg+O2 बनेगा क्या, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। अगर हमने लिया Cu लिया और +O2 लिया तो क्या बनेगा, 2CuO। दिस ऐसी रिएक्शन सारी की सारी होंगी, यानी कि मेटल्स, आसान लैंग्वेज क्या बोल सकते हो, मेटल्स डायरेक्टली कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल सीधे सीधे किससे जुड़ जाते हैं, ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, और ऑक्सीजन से जुड़ करके वो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। चलो भाई पहली प्रॉपर्टी हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका या नोट करिए, अगर कॉपी लेकर के बैठे हैं, सलाह यही है कि कॉपी लेकर के बैठे, साथ साथ नोट करते चले, तो कॉपी लेकर के बैठे हैं तो नोट करिए, बढ़ता हूं आगे। दूसरी प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है और पढ़ने में भी आपको मजा आएगा इसको, और सबसे ज्यादा टाइम अगर लेगी तो यही लेगी। इस हेडिंग को आप दो तरीके से लिख सकते हो, पहला तो लिखो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, और दूसरा लिखो कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस या फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहले क्या लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट का मतलब DIL और एसिड। अब डाइल्यूट एसिड सभी लोग जानते हो ना, जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, जो खतरनाक नहीं होता, H2SO4 भी है तो वो उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कंसंट्रेटेड होगा, यानी कि उसमें एसिड की मात्रा कम होती है। तो चलो भाई रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, तो क्या बनता है, अगर हमारे पास हो मेटल, अभी इसकी कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनते रहो,
और उसके साथ में क्या हो, डाइल्यूट एसिड हो, क्या हो, डाइल्यूट एसिड हो। तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें, मिलता है सॉल्ट, पहली बात तो कोई सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट के साथ हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस, और इसलिए इसको मैंने एक और हेडिंग डलवाई कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस या प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस किस रिएक्शन के थ्रू करा जा सकता है, मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन के साथ किया जा सकता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने लिखा जिंक, Zn डबल प्लस बनाता है सभी को पता, और प्लस उसकी कराई किससे रिएक्शन, H2SO4 के साथ, तो करेगा क्या, आपने केमिकल इक्वेशन पढ़ी है? उसी में मैंने पढ़ाया था, मैंने ही पढ़ाई थी ये बात कि जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जिंक को रिप्लेस कर देगा और बनाएगा ZnSO4, और जो H2 निकला वो चुपचाप निकल गया, यानी कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई, H2 गैस इवॉल्व हो गई। तो देखो यहाँ पे ये क्या बना, जिंक का सल्फाइड बना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, ये सॉल्ट बना, और सॉल्ट के साथ क्या बनी, मिली हाइड्रोजन गैस मिली। चलिए एक और देखते हैं, अगर हमने लिखा 2Na और प्लस उसकी रिएक्शन किससे करा दें, चलो 2HCl से करा दें, इस बार एसिड बदल दें, तो एसिड बदला तो क्या मिला, 2HCl, देखो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, दोनों Cl इससे जुड़ेंगे, यानी कि 2NaCl और प्लस क्या निकला, H2S, प्लस क्या निकली, H2 गैस। अब और किसकी बात कर लें, कोई और एसिड ले लो, HNO3, तो जाहिर सी बात है कि हमें 2HNO3 लेने पड़ेंगे, और इसकी रिएक्शन अगर मैं किससे कराऊं, इसकी रिएक्शन मैं करा दूं किससे, Mg से, ठीक है, या कोई डबल वैलेंसी वाला, डबल वैलेंसी हो गई, सिंगल वैलेंसी हो गई, चलो ट्रिपल वैलेंसी देखते हैं, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई, तो एल्यूमिनियम से रिएक्शन के दौरान क्या मिलेगा हमें, हम पहले पता है Al पर तो कितने L लेने पड़ेंगे, 2L लेने पड़ेंगे, क्योंकि Al पर कितने प्लस, 3+, NO3 पर कितने माइनस, NO3 पर कितना माइनस, सिंगल माइनस, हाँ तो 2L लेने पड़ेंगे, बिल्कुल, क्योंकि 2NO3 है, तो मिलेगा Al, और Al के साथ में NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का जस्ट सेकेंड, NO3 का होल थ्राइस लेना पड़ेगा, क्योंकि Al पर ट्रिपल प्लस है, तो यहां पर भी क्या लेना पड़ेगा आपको, 3, और तब यहां पर मिलेगा आपको Al के साथ NO3 का होल थ्राइस, तब -3 और +3 दोनों आपस में बैलेंस हुए। अब देखिए 3H तो काम नहीं कर सकते ना, ये चीजें समझो ध्यान से, ऐसी रिएक्शंस को बनाना सीखो, ऐसे रैंडम एग्जांपल उठा लिया कि HNO3 की रिएक्शन, चलो Al से करा के देखते हैं, तो क्या मिला हमें, पता है HNO3 है, तो अगर इस H को हटाए तो NO3 पर सिंगल माइनस आया, अब एक माइनस और इस पर 3+ है, तो हमें पता है कि ये 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, तो हमने ये 3 ले लिए, लेकिन जब हमने ये 3 लिए, ध्यान से सुनना बात को, जब हमने ये 3 लिए तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, अब 3 हाइड्रोजन कितने H2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ना, ऑड नंबर है, H2 है तो इवन नंबर में होने चाहिए, तो क्या करें हम लोग, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो क्या मिला 2Al प्लस 6HNO3, तब मिला हमें 2Al NO3 का होल थ्राइस, ये मिला हमें, और साथ में देखो अब कितने हो गए 6H, तो कितने H2 निकल गए, 3H2 निकल गए, काम खत्म, समझ गए होगे, आई थिंक समझ गए होगे, नहीं समझो एक बार पीछे जाओ वापस देख लो, समझ जाओगे। चलो भाई ये हो गए रिएक्शंस, अब एक बात आती है कि सर क्या सारे के सारे मेटल ये रिएक्शन देते हैं, तो सारे के सारे मेटल रिएक्शन नहीं देते। नोट करिए, ये रिएक्शन के मेटल के पहले लगाओ एक्टिव, ये रिएक्शन केवल कौन देते हैं, एक्टिव मेटल्स देते हैं। अब प्रश्न आता है कि सर व्हाट आर एक्टिव मेटल्स, ये एक्टिव मेटल्स क्या है, तो ऐसे मेटल्स, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, दोस मेटल्स विच हैव मोर रिएक्टिविटी देन हाइड्रोजन आर नोन एज एक्टिव मेटल, ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी एक्टिव किससे हाइड्रोजन से ज्यादा होती है उन्हें हम एक्टिव मेटल कहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है, तो नोट करो भाई 5, CuHgAgPtAu, कॉपर, पारा, उसके बाद में चांदी, उसके बाद में प्लेटिनम, और AU मतलब सोना, ठीक है। तो जितनी महंगी चीजें हैं, कॉपर को छोड़ दो, कॉपर बहुत महंगा नहीं है, ठीक है, कॉपर को छोड़ करके बाकी जितनी महंगी चीजें हैं वो सारी की सारी कम रिएक्टिव हैं। सभी को पता है यार सोना रिएक्टिव नहीं होता, अगर प्योर सोना हो आपके पास में तो कभी उस पे जंग नहीं लगेगा, जबकि चांदी थोड़ी बहुत रिएक्टिव होती है, घर में देखते हो ना चांदी की पायल होती है, तो पायल कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है, तो काली इसीलिए पड़ती है क्योंकि Ag का ऑक्साइड जम जाता है उसके ऊपर। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि अगर ये मेटल है, ये बात आपको अगर देखनी है तो आप केमिकल इक्वेशन पार्ट 2 देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, केमिकल इक्वेशन पार्ट 2 मैं डाल दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन के नीचे होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इनके अलावा कोई भी मेटल है तो जाहिर सी बात है वो ये रिएक्शन देगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वॉटर। जस्ट अ सेकेंड,
हाँ भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि मेटल की रिएक्शन अगर वाटर के साथ होती है तो क्या होगा। तो फिर वही बात है कि एक्टिव मेटल्स होने चाहिए। तो मैंने जनरल रिएक्शन देखो लिख दी, मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा मेटल का हाइड्रोक्साइड। अब बताओ व्हाट आर हाइड्रोक्साइड, जिसमें कौन सा ग्रुप लगा हो, OH ग्रुप हो, ठीक है, मेटल के साथ में क्या हो, OH लगा हुआ हो, तो उसे कहते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सिमिलरली हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलो भाई कुछ रिएक्शन देखते हैं तो शायद समझ में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो अगर हम लोगों ने लिखा Na प्लस, क्या लिया हम लोगों ने, लिया पानी, ठीक है, पानी लिया हम लोगों ने, Na लिया और Na के साथ में क्या लिया हम लोगों ने, पानी लिया। तो आपको क्या मिलेगा, देखो पानी का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस, ठीक है, H प्लस और OH माइनस। तो अगर यहां से OH माइनस निकाल दें तो सिंगल हाइड्रोजन बचा, तो सिंगल हाइड्रोजन तो कुछ नहीं कर सकता ना, तो यहां पर क्या लेने पड़ेंगे, दो। और जब यहां पर दो लिए तो यहां पर भी हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो, क्योंकि OH पर सिंगल माइनस है, Na पर सिंगल प्लस होता, तो दो दो का ही पेयर तो बना पाएगा। तो अब चलो आगे देखो क्या मिला हमें, हमें मिला 2NaOH, सोडियम का, क्या मिला हमें, सोडियम का मिला हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या निकल गया, H2 गैसियस स्टेट में इवॉल्व हो गई। जरा बैलेंसिंग चेक करिए, 2Na 2Na, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन चार हैं, दो यहां पर हैं और दो यहां पर हैं, बैलेंस रिएक्शन। चलो भाई अब अगर बात करें किसकी, Mg की, ठीक है, तो यहां पे एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। अगर बात करें Mg की किसके साथ में, H2O के साथ में, तो हमें पता है Mg पर 2 प्लस है, तो हमें क्या लेने पड़ेंगे, 2H2O लेने पड़ेंगे, तभी तो हम बना पाएंगे MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। तो देखो कितने ऑक्सीजन निकल गए, दोनों ऑक्सीजन निकल गए, दो हाइड्रोजन निकल गए, अभी भी दो हाइड्रोजन बचे हैं, तो क्या मिला हमें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई वापस से, क्लियर। अब यहां पे एक चीज है कि अगर हम लोग Mg की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, ठीक है, अगर हम Mg की रिएक्शन किससे कराते हैं, H2O से कराते हैं, तो यहां पर एक और चीज मिल सकती है और वो है MgO plus H2, यानी मैग्नीशियम का ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो बैलेंस है, देखो MgO एंड H2 पूरा बैलेंस है, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये गैस होनी चाहिए, यानी कि H2O स्ट्रीम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर Mg है लिक्विड H2O है तो MgOH का होल ट्वाइस मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, Mg अगर स्ट्रीम पास कराई जा रही है मैग्नीशियम पर से तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस पास होगी, बाकी नॉर्मल है, कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जरा इसे नोट कर लीजिए, एक दो एग्जांपल्स और करा देता हूं और बस आगे बढ़ते हैं। एक करना है तो कहीं पर भी कर लो यार, जगह तो बची हुई है। अगर मैंने लिया Ca कैल्शियम लिया और प्लस लिया पानी, तो सबको पता है कैल्शियम डबल प्लस, कैल्शियम डबल प्लस, तो कैल्शियम डबल प्लस का मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अब CaOH का होल ट्वाइस है तो पानी कितने, 2H2O, चलो ऑक्सीजन दोनों निकल गए, हाइड्रोजन दो निकल गए, साथ में क्या मिली, H2 गैस, बस, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन नंबर 4, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों को पढ़नी थी। अब अगले लेक्चर में हम लोग किसके साथ मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे किसके साथ में, हम लोग मिलेंगे पहले नॉन मेटल की बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ, बाकी आगे देखा जाएगा जो भी टॉपिक होगा, क्योंकि दोनों को पैरेलल में पढ़ते चलेंगे ना तो आराम रहेगी। तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अगले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में बात करेंगे नॉन मेटल्स की, व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लगे रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।